धम्म सेवक धम्म सेवा में आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। अच्युत्पे भोईटे ये एक नाम है, इसको आप ध्यान से देखिए, और एक नाम है अछूतानंद। अछूतानंद को सब जानते हैं क्योंकि अछूतानंद जी ने एक भारत के दबे कुचले लोगों का ऊपर उठाने का आंदोलन चलाया था, इसलिए सभी उनको जानते हैं। अछूतानंद का मतलब है अछूत आनंद के साथ में। और ये जो भोईटे नाम है जिसको अच्युत भोईटे बोलते हैं, दरअसल बहुत सारे नाम हैं जो अच्युत के नाम से महाराष्ट्र के अंदर चलते हैं। जो अच्युत भोईटे जी हैं, ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो भारत में बुद्धिस्ट विचारधारा के या प्रबुद्ध लोग हैं, जिनको अपना नाम जनगणना में, मत जनगणना में, या कहीं कोई रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आती है, या कहीं रजिस्टर्ड कराना है, या अपना जो उन्होंने फिलॉसफी है वो बदलवानी है, कोई पहले उनका मत रहा है और अभी उनको जो बुद्धिस्ट मत है वो सरकारी आंकड़ों में लिखवाना है, उसकी फॉर्मेलिटी के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं उनके नंबर यहाँ दे रहा हूँ आपको। वो नंबर यहाँ लिखित में मिलेंगे। ये लगातार लोगों की सहायता करते रहते हैं और लगातार लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि वो अपने सरकारी आंकड़ों में अपने आप को बुद्ध का अनुयायी, बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, या बुद्ध की कल्चर मानने वाला, या बुद्ध चर्या मानने वाला, या बुद्ध की जो प्रैक्टिस है उसे करने वाला लिखवाएं वहां पर। इससे उनको फायदा होगा और जनगणना में उनकी संख्या ज्यादा आएगी तो उनको ज्यादा सुविधाएं मिलने का अधिकार मिलेगा। जनगणना में कैसे लिखवाना है, जो सेंसस आएगा उसमें कैसे, क्योंकि 2021 में जो मतगणना होगी, जनगणना होगी, उसमें जो फार्म भरा जाएगा उसमें कैसे आप अपना एंटर कराएं, या बीच में आपको अगर सरकारी दस्तावेज में अपना मत एंटर करवाना है कि हम बुद्धिस्ट मत के लोग हैं, हमारा मत बुद्धिस्ट या बौद्धिक होना चाहिए, तो वो सारी प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया वो आपको अवेलेबल कराएंगे। आप उनको फोन करें, वो आपको फार्म भरना, और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आरक्षण में या रिजर्वेशन में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो वो नियम भी वो बताएंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो नियम आपको देंगे भी। इस प्रकार आपकी बड़ी मदद करेंगे जो वो धम्म की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनके नाम की, क्योंकि जो नाम है अच्युत भोईटे, बेसिकली इसका बड़ा गहरा मीनिंग है, और जो अछूतानंद है उसका भी बहुत है, और दोनों ही नाम एक हैं, दोनों ही नाम एक हैं, मगर एक पाली में है और एक संस्कृत भाषा में, इतना अंतर थोड़ा सा हो गया है। बेसिकली एक जो धम्मपद है, धम्मपद अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और धम्मपद को पढ़ते पढ़ते आप उसको छानेंगे, उसको देखेंगे, उसका अन्वेषण करेंगे, गन्वेषण करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि धम्मपद नंबर 225 में एक गाथा है। गाथा उसको कहते हैं जो सूत्र होता है, जो दो लाइनें, तीन लाइनें, चार लाइनें वहां लिखी होती हैं, या वर्सेस होता है, या आयत होती है, या सेंटेंस होता है, उसको गाथा बोलते हैं पाली के अंदर। तो क्या कहता है वो सेंटेंस, क्या कहता है 225 नंबर का जो धम्मपद गीता भी बोल सकते हैं, जो धम्मपद गीता या धम्मपद गीतो है, क्या कहता है? ए हिंसा का ये मुनियो निचंकायन संवुता ये यंति अच्युतं थानं यत् गणत्वा न सोचरे। ये सारा आप जो धम्मपद नंबर 225 है वो पब्लिश है, उसमें देख सकते हैं। उसमें जो एक शब्द है अच्युतं थानं, ये जो अच्युतं थानं है इससे अच्युत भोईटे बना हुआ है। बेसिकली अगर अच्युत में से ए निकाल दें तो ये हो जाता है च्युतं थानं, और थानं बोलते हैं स्थान को, और च्युतं बोलते हैं आज के समय में संस्कृत भाषा में जो कहते हैं कि ये च्युत हो गया, यानी कि स्खलित हो गया, गिर गया, और उस समय की भाषा में इसको गिरा हुआ बोलते थे। और अगर ए लगा दें तो इसका मतलब जो ना गिरा हुआ है, जो उठा हुआ है, जो स्थान पर बहुत उठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ए च्युत या ए च्युत। तो अच्युत का मतलब है जो ना गिरा हुआ है, जो बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ है, इसको निर्वाण का, साल्वेशन का, या मोक्ष का, या अमर तत्व का पद माना जाता है। दरअसल जो अच्युत लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया, या उस खानदान से संबंधित हैं, या जो अर्हत हो गए, या जिन्होंने भगवान बुद्ध के समय की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो भिक्खुओं में होती थी अर्हत की, या निर्वाण प्राप्त की, या मोक्ष प्राप्त की, या अमर तत्व प्राप्त की, या अमृत जो पद है वो प्राप्त की,
वो उन्होंने पदवी पा ली है, उसका ही एक नाम है अच्युतंग ठानंग, यानी कि ऐसा स्थान जो बहुत ऊंचा है, गिरा हुआ नहीं है वो स्थान। तो यहां जितने भी नाम है, क्योंकि जो ये अच्युत भोइटे हैं, भो का मतलब होता है श्रीमान। एक मैंने भो श्री की एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भो माने होता है, जैसे कहते हैं ओ श्रीमान, आइए श्रीमान, जो आज के समय में बहुत ज्यादा सम्मानजनक होता है। और श्री माने होता है सर, यानी मुख्य, यानी हेड। तो हम कहते हैं ओ श्रीमान आइए, यानी कि जो आप मुख्य हैं वो आइए। और यहाँ जो यति का मतलब है, भोइटे का मतलब है भो यति, यति का मतलब होता है साधु या मंक या भिक्कु, यानी ओ श्रीमान भिक्कु, यानी कि बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेबल भिक्कु। और अच्युतंग का मतलब हो गया जो निर्वाण प्राप्त अर्हत है। तो ये भिक्कु का नाम है, अच्युतंग भोइटे का मतलब है जो निर्वाण को प्राप्त है, बहुत ज्यादा गणमान्य है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ओ श्रीमान जैसा है, और जो भिक्कु है और जो मंक है, जो साधु है। तो ये इस तरह से आता है। इसी को बाद में अच्युतानंद को अछूता बोला गया, यानी जो अच्युत है उसको अछूत बोला गया। अछूत पाली में कहीं कोई शब्द नहीं है, पाली में अछूत ऐसा कोई शब्द नाम का है ही नहीं, क्योंकि पाली में अगर किसी को छूना हो तो उसको बोलते हैं फस बोलते हैं, और अगर ना छूना हो तो उसको एफस बोलते हैं। तो पाली में जो अछूत है उसको संस्कृत भाषा में अछूत बोला गया, और अछूत को कहा गया अनटचेबल। बेसिकली इतने ज्यादा ऊपर वो लोग होते थे, पढ़ाई में लिखाई में अर्थ होते थे, कि नीचे वाले जो साधारण लोग हैं वो उनको छू ही नहीं पाते थे, इसलिए उनको अनटचेबल या इसलिए उनको अछूत को अछूत किया गया। और छू शब्द बाद में आया है, छूना शब्द बाद में आया है, पाली का शब्द नहीं है, इसका कुछ मतलब और होता है। तो वो हाईएस्ट लेवल पे होते थे, इसलिए उनको अछूत बोला गया। भारत के जितने भी आज के समय के गरीब और जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जिनके संसाधन खत्म है, जिनके पास कुछ नहीं है, और जो भारत मूल के हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी डिग्रियां बहुत ऊंची रही हैं। अछूत जो शब्द है वो बहुत गौरवशाली और बहुत बड़ा शब्द है। अछूत का मतलब है अर्हत, और जो अच्युत भोइटे है इसका मतलब है कि ओ श्रीमान भिक्कु, जो बहुत ऊंची अवस्था में, अर्हत अवस्था में है। तो अछूत जो बोलते हैं या अछूतानंद जो बोलते हैं, अछूतानंद का मतलब है कि उस ऊंची डिग्री पे जहां कोई छू ना सके उसका आनंद लेने वाला। तो अछूतानंद एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत कमाल का नाम है। आप ऐसा समझिए जैसे चढ़ता हुआ एक सूरज का नाम है, क्योंकि अछूतानंद का मतलब है कि आप इतने ऊंचे दर्जे पर हैं कि आपको कोई टच नहीं कर सकता। और पाली में से आता है अच्युत का मतलब है कि जो न गिरा हुआ हो, इसका मतलब जो उठा हुआ हो, ऐसा नाम उसमें आता है। इसके बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे बाद में इसको जो च्युत शब्द है इसको गाली बनाया गया, और गाली बना के इसको आज तक भी गाली के रूप में जैसे बोला जाता है लगातार। और गाली बहुत ज्यादा आपस में, क्योंकि जितने भी लोग थे जो भगवान बुद्ध के समय में बहुत ऊंची अवस्था में थे, वो सारे शब्द लगभग गाली बन चुके हैं, गाली की शक्ल में है। आप उनको पाली में ढूंढेंगे तो वो आपको ग्लोरीफाई मिलेंगे, बहुत चमकते हुए मिलेंगे। आप उनको संस्कृत भाषा में ढूंढेंगे तो आपको गाली मिलेंगे, अगर वो है बहुत ऊंचे। आप पाली भाषा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वहां क्या मतलब इन शब्द का होता है और क्या नहीं होता है। तो जो शब्द है अच और अचना और अच्छति, अच का मतलब है जैसे अचूत से बनाए अच, जो अर्चना करते हैं तो उसको अचना बोलते हैं। अर्च का मतलब है अर्च करना, और अर्चना का मतलब है अर्चना करना, यानी कि अर्चना करना आज के समय में संस्कृत भाषा में बहुत बढ़िया शब्द है। ये अचना से बना हुआ है, अच्युत से बना हुआ है। ये शब्द जो बताते हैं एक दूसरे को पूरी जानकारी देते हैं। इसलिए आपके आज के इस जो एपिसोड है धम्म सेवक का और धम्म सेवा का, इसमें आप जो अच्युत भोइटे जी हैं, आप उनको कह सकते हैं कि वो हाईएस्ट डिग्री के मालिक हैं। वैसे भी वो एमबीए किए हुए हैं और लगातार धम्म सेवा में लगे रहते हैं। आप उनकी सेवा का फायदा उठाएं, उनको फोन करें, मैं यहाँ फोन नंबर दे रहा हूँ। आपको अगर अपना नाम सेंसस में बुद्धिस्ट या प्रबुद्ध या कुछ भी आपको लिखवाना है तो पूरी मदद आपकी करेंगे। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं,
उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.